सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो दोस्तों, आप सभी के साथ भी ये कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी, अगर आप जब अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हो। बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि स्टेप टू के अंदर जो यहाँ पे आपको अपना गूगल एडसेंस को साइन अप करना रहता है, उसके अंदर आपका यहाँ पे एरर आ जाता है। तो बहुत लोग इसी चीज़ को यहाँ पे लेके परेशान है कि क्यों हमारा सेकंड स्टेप में यहाँ पे एरर आ जाता है और क्यों हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे सक्सेसफुली इजी यहाँ पे डन क्यों नहीं होता है। तो क्या रीज़न है क्यों हमें एरर आता है और हमें एरर से कैसे बचना है, क्या कुछ करना होगा, ये सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको सेकंड स्टेप को फिलअप करने से पहले किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, जिससे कि आपका सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पे एरर ना आए। सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों हमने इतनी मेहनत करके यहाँ तक अगर हम पहुँचे और अगर हमारा चैनल ही सक्सेसफुली मोनेटाइज ना हो तो आप समझ सकते हो कि कैसा लगेगा। तो इस तरह से आपको अच्छी तरीके से हमें अपना मोनेटाइजेशन जो चैनल है उसे अच्छी तरीके से अपना यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तभी हमारा यहाँ पे चैनल मोनेटाइजेशन सक्सेसफुली हो पाएगा। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो जैसे कि आप सभी को पता होगा, मोनेटाइजेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप काफ़ी सिंपल होता है, आपको उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस यूट्यूब के एक्सेप्ट करने होते हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो डन हो जाता है सक्सेसफुली। सेकंड स्टेप बहुत ही मेन यहाँ पे हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको गूगल एडसेंस क्रिएट करना होता है, जिसके अंदर आपके यूट्यूब के भी जो भी पैसे जो भी आपने यहाँ पे अर्न किए उस सबको ट्रांसफ़र किए जाते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर। तो ये सेकंड स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर और क्रिएटर्स इसी के अंदर गलती करते हैं और वो अपना चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाते। सेकंड स्टेप स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है या फिर नहीं है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास एडसेंस अकाउंट है या फिर नहीं है। इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे टिक करना है, सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास पहले कभी YouTube चैनल आपने बनाया था तो उस समय आपने अगर AdSense अकाउंट आपने क्रिएट किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी AdSense अकाउंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम YouTube पे यहाँ पे काम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे YouTube के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और आपने इससे पहले कभी भी AdSense अकाउंट को नहीं बनाया, सो आपको ऐसे केस में यहाँ पे नो कर देना है कि मेरे पास कोई भी AdSense अकाउंट नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैंने शायद बनाया होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं है, सो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है आई डोंट नो वाले ऑप्शन पे कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास यहाँ पे एडसेंस अकाउंट है या फिर नहीं है, ये वाले ऑप्शन पे आप जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हो कि मेरे पास एडसेंस अकाउंट नहीं है नो वाले ऑप्शन पे, और अगर आपने पास्ट में कभी भी अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा उसी नेम से, और जब आप उसी नेम से फिर से एक और एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हो, सो ऐसे में आपके नेम पर दो दो एडसेंस अकाउंट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आपका जो एडसेंस है उसके अंदर एरर की दिक्कत आ जाती है। तो इसी में बहुत सारे क्रिएटर्स मिस्टेक करते हैं, तो आपको इस मिस्टेक से जरूर बचना है। अगर आपने पास्ट में कभी भी गूगल एडसेंस अपने नाम से बनाया हो तो आपको उस नेम से वापस से गूगल एडसेंस को क्रिएट नहीं करना है। अगर आप क्रिएट करते हो सो दोस्तों आपका यहाँ पे एरर आने का 100% चांस हो जाता है। सो आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। और अगर आप चाहे तो आप अपने किसी पेरेंट्स के नेम से गूगल एडसेंस क्रिएट कर सकते हो, जो कि अपने पापा या फिर मम्मी किसी के भी नाम से आप गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों फिर आने वाले टाइम में जब भी आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करोगे तो सब कुछ आपका अपने पेरेंट्स का ही लगेगा, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो मोनेटाइजेशन सेकंड स्टेप में अप्लाई करते समय किन बातों का आपको ख्याल रखना है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपने कभी एडसेंस अकाउंट बनाया कि नहीं, वो सही सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। और जो भी डिटेल्स यहाँ पे गूगल एडसेंस में पूछा जाए आप सभी से, वो सब कुछ आपको एकदम एक्यूरेट और एकदम सही भरना है, चाहे वो आपका एड्रेस हो या फिर आपका नेम हो, सब कुछ आपको यहाँ पे एकदम सही फिलअप करना है, वो यहाँ पे सक्सेसफुली YouTube के ऊपर हो पाएगा और डन हो पाएगा। और थर्ड स्टेप में तो आपको कुछ नहीं करना होता, वो यहाँ पे YouTube के पास रिव्यू में आपका चले आता है, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे आपका चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाता है। अगर आपको नहीं पता कि पूरा प्रोसेस मोनेटाइजेशन का कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या कुछ करना पड़ता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके वीडियो को पहले पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, तब भी जाके आप अपने चैनल के लिए मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना। अगर आप डायरेक्टली मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दो, कहीं ना कहीं आप जाके गलती या फिर मिस्टेक कर दोगे, जो कि दोस्तों वो फिर जल्दी सॉल्व नहीं होती है। तो इसलिए एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना कि चैनल कैसे मोनेटाइज किया जाता है। तो ये कुछ दोस्तों आज का वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पर हमेशा YouTube रिलेटेड कंटेंट्स डालते रहता हूँ। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।